किस तरीके से मैं टैक्स एचआरए कंपोनेंट, मेरे सैलरी में एचआरए कंपोनेंट नहीं है और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये जाननी है कि मैं किस तरीके से टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ, और मैं जो कि रूरल एरिया में मेरा अपार्टमेंट है तो मेरा जो अकोमोडेशन है उसकी कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है कि कोई रेंट रिसिप्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ऑनर जिसको आप दे रहे हैं उनको, उनके पास पैन है? उनके पास पैन नहीं है। पैन नहीं है, तो पैन भी नहीं है, रेंट रिसिप्ट भी नहीं है, रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन आप उनको किराया दे रहे हैं और ये एचआरए जो है आपके सीटीसी का पार्ट नहीं है। बहुत ही अलग हालात है मुकेश जी, क्या करना चाहिए इनको? ही शुड नॉट गिव अप हिज होप। इनको हालांकि सैलरीड एम्प्लॉई को जो आमतौर से सेक्शन 10(13)(a) में एचआरए का एग्जम्पशन मिलता है वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि कंपोनेंट ही नहीं है। पर एक और प्रोविजन है भाई साहब, आप ये ध्यान में रखिएगा, देर इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80GG, और इसमें ये कहा गया है कि जब आपको कोई एचआरए नहीं मिल रहा हो या सैलरीड एम्प्लॉई के सिवा कोई बिजनेसमैन, प्रोफेशनल इन्वेस्टर कोई भी हो, अगर वो रेंटेड एकोमोडेशन में रहता है और वो रेंट पे करता है तो उसके लिए वो डिडक्शन का जो नियम है, एक तो क्या है कि मैक्सिमम यू कैन गेट 25% ऑफ योर टोटल इनकम, पर उसमें जो आपका टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा आपको रेंट देना चाहिए। माना आपकी टोटल इनकम समझिए 5 लाख है, तो उसका 10% हुआ 50,000, आपने 80,000 का रेंट दिया तो 30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा, और मैक्सिमम डिडक्शन जो है लक्ष्मण जी इज अप टू 60,000 rupees इन अ ईयर। अब इनका जो क्वेश्चन है, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप हो सके तो चेक से आप ये पेमेंट करिए, क्योंकि आपके पास रेंट रिसीट या उसका पान नहीं है, अकाउंट तो बैंक का उसका जरूर होगा, क्योंकि यू विल नीड सम कॉन्टेम्पररी एविडेंस, और अगर आपने वो एविडेंस रखा है अपने रिकॉर्ड पर तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पान न होने के कारण आपको, उसका पान न होने के कारण आपको डिडक्शन नहीं मिले। मुकेश जी ने बताया, यही हमारे टैक्स गुरु की खासियत भी है कि जहां लोगों को लगता है कि उम्मीद अब नहीं है टैक्स बचने का, वह हम टैक्स बचाने के तरीके आपको बताते हैं। And don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.